गाइस साहिबा का नाम है गप्पो, कमेंट में लिखो गप्पो, एवरीबॉडी राइट गप्पो 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 गप्पो। एक टाइम पे इतनी मोटी होने वाली है कि बच्चों को बर्थडे पे मिक्की माउस बनेगी और मिक्की माउस वाला झूला नहीं होता, टॉप टॉप के बच्चे जाते वो बनेगी, तो बच्चे को कॉन्टेक्ट करने के लिए साहिबा बंदा कॉन्टेक्ट करे चार चार चिन्ह जो आ रखे हैं इसकी। एक चैनल खुला था छोटा बॉस, ये खुला है मोटा बॉस। ले भाई तभी चैनल चलेगा भैया, स्पॉन्सर चाहिए ना अपना, तो नहीं है। ये ज्यादा बोल रहा है, देख राशि बहुत बढ़िया ऑडियंस हंसती है वो। राशि हंस, राशि हंस बेटा, हंस राशि, हंस राशि, इज वेरी नाइस ऑडियंस राशि, वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से, ये मम्मी को नया शौक चढ़ा है गमले लगवाने का, तो आज भैया से और गमले लग रहे हैं। आज वाला कौन सा पेड़ है भैया? है कनेर। कनेर कोई फायदा है इसका? क्या एक सेकंड कैमरा साफ करने जरा सा, अब बताओ क्या फायदा है इसका? ये फायदा है इसमें फूल निकलता है पीला पीला फूल। अच्छा ऐसे निकलेगा कब ये बता दे, बार साल में बार बार जलते ना? क्या चीज जलते हैं? पीला फूल निकलेगा इसके अंदर, जैसे ईमा निकला है वाइट फूल। वो जा रही है पिंकी दीदी, स्पीड दे किसकी, पिंकी दीदी इज वेरी स्पीडी, पूरी ऐसे चलती है जैसे वो नहीं होते। तो अभी तक का सबसे बढ़िया फूल ये वाला है, वाइट वाला है ना, इसके बाद शायद ये वाला है रेड वाला। ये भी ठीक उग गया वैसे तो मम्मी, और कहाँ ठीक उग गया। और ये देखो भाई नींबू, ओ छोटे छोटे नींबू आ गए, ये लो। ये नींबू बड़े कैसे होंगे वे? ये नींबू इतने ही रहते हैं, नहीं बड़े होते, छोटा नींबू है, नींबू छोटे ही रहते हैं। आपको यूज करना है तो एक नींबू तोड़ा करो, एक नींबू बहुत रस में जाता। तो हम तो तोड़ ही नहीं रहे नींबू, तोड़ ले करो ना ये वाले, तोड़ ले इसको। इतना पुटकू सा, तो इसमें रस क्या निकलेगा छोटे से में? अरे भाई पूरा धोने खा पाएगा, इतना टाइट है ये। अच्छा जी, थोड़ा ही डालो। तो फिर काम करेंगे, पहले ये वाला तोड़ेंगे छोटे वाला, कच्चा बेटे नहीं ये वाला तोड़ो। अच्छा यही वाला जो पीला हो गया, ये बड़े नहीं होंगे, इनका साइज इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, ये चैना नींबू। अच्छा बाकी गाइस आज की अपडेट में दे देता हूँ, आज है साहिबा का शूट, तो रजत मेरे पास आ रहा होगा अभी बस थोड़ी देर में, थोड़ा शूट घर पे करेंगे, थोड़ा शूट बाहर करेंगे, एंड देन उसके बाद देखते हैं आज क्या करना है। वेल्ले हम तो बहुत बड़े वाले नीचे भी वो भैया। यार एक बात आओ, घर के बाहर अगर पेड़ लगवाने हो तो मैं सोच रहा हूँ दोनों साइड पेड़ लगवा दूँ, इधर इधर भी और इधर भी हैं, तो दिक्कत क्या है, घर तो अपना ही सुंदर लगेगा। हाँ नहीं वो तो ना मानो है, वो ये लाया तो है पाम रखवा ले भैया, पाम ओके। ये जी ये देखो लग गया है क्रोटन, सिनेमैटिक बना रहा हूँ। सिनेमैटिक बना रहा है भैया की भी, सिनेमैटिक बना रहा है। हेलो है? सिनेमैटिक बन रहा है ना अभी, वो क्या होता है? है सिनेमैटिक का मतलब होता है जिसमें वाइड एंगल दिखता है, बहुत सारा दिखता है। ये इनको 24 घंटे चलता रहता है ऊपर वाला बल्ब, वाइड बल्ब। कल हाँ। पार्टी भी तो हो रही थी किसी घर में, या तो इस घर में हो रही थी या उस घर में हो रही थी, पता नहीं। गाड़ी आएगी? हाँ कब आएगी? फूल लगे हुए ला देना भैया। अरे तू देखना इसमें गारंटी ले रहा है, ऊपर से सूखा हुआ लग रहा है मुझे, सूखा हुआ नहीं लग रहा ये है ना। तो गाइस मेरे से तो पहले बोलो जय श्री राम। तो भाई मेरे से बाहर ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी है, एंड मैं ठहरा स्टार बंदा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी तो घर पे कोई है नहीं ज्यादा,
मैं पता है व्लॉग क्यों नहीं करता, एक रीजन है व्लॉग ना करने का। व्लॉग ना करने का रीजन ये है कि मैं ना अकेला पड़ जाता हूँ यार, और अकेले में क्या होता है कि बंदा ना ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। हाँ मम्मी, तो बाहर कुर्सी है नहीं क्या? रुको रख रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं यार ये कह रहा था कि मैं व्लॉग इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं ना अकेला पड़ जाता हूँ। एंड मैंने देखा है जो भी व्लॉगर्स होते हैं, ठीक है व्लॉगिंग बहुत पर्सनल चीज है, अकेले ही करनी चाहिए, बट फिर भी क्या होता है ना कि आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना करने को। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अकेले ना बहुत चीजें नहीं हो पाती, आप इतनी बात नहीं कर सकते। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो जाता हूँ कई बार बात करते करते, तो आप लोग स्किप कर दोगे, आप लोग नहीं देखना चाहोगे, तो उसमें फिर ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। साथ में बंदे होते हैं ना तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट रहती है, आप एक दूसरे से बात कर पाते हो, चार चीजें कर पाते हो, तो वो वाली चीज थोड़ी सी अभी मिसिंग है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे कि मैं उस चीज को डेवलप करूं एंड सब थोड़ा एक ग्रुप बनाऊं मैं दो तीन लोगों का, हमारा दोस्तों का, कि हम लोग साथ में घूम फिर पाए। एंड देन फिर देखते हैं, तब हो सकता है शायद मैं रेगुलर करूं। बाकी अभी मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मेरा मन करता है व्लॉग शूट तो कर ही लेता हूं, एडिट बेशक बाद में करूं बट मैं शूट कर लेता हूं। तो भाई मैं व्लॉग बना रहा था एंड मैं बीच में इसके आते ही भूल गया कि मैं क्या करने वाला था, तो मैं अब ये मैं व्लॉग कंटिन्यू व्लॉग। अरे रुक जा यार, मम्मी ने पेड़ लगवा लिए बाहर एंड ये देखो पागल आ गई है। अभी इसने ना मेरे भाई यहाँ पे नाखून मारा, उसके बाद मैंने इसको सही छेता है। अभी हैं सही छेती है ना तू, हाथ ऐसे करके टिक मोड़ दिया इसका मैंने, चिल्लाई फिरी। ये नीचे पेंट वाली पेंट की पहन के आई है तू, हैं आई आई फिर। भाई मजाक नहीं कर रहा मैं, ये जो नाखून दिख रहे हैं ना ये तेरे, ये एक आधा पक्का टूटेगा और पूरा खून निकलेगा, वो मेरे को नहीं पसंद, मेरे को बहुत तेज लगती है। तुझे नहीं पसंद तो मैं ना करूं? हैं कोई बात नहीं, तू रुक, हाथ लड़के पे मारता है आज, ये जो भी मिल के ही मारता कहूं। हेलो पुलिस, जा बाड़ में जा। ये देखो पीछे बर्फ लेके आ गई हो ना, बर्फ खाने की वजह से ही इसके घुटने जाम हुए थे उस दिन बुढ़िया के, आपके भी हो जाएंगे। ये देखो मम्मी को पेड़ यहाँ से दिखा रहे, बाहर जाके दिखा कर, बाहर जाके मैंने दिखा दिए वैसे काफी सारे, बैंगन तो अभी हुआ ही नहीं है पागल। तो पेड़ तो वो तो लग गए ना, तो जी ये देखो पेड़ ही पेड़ लग गए हैं। वो वाला 150 का है, ये 120 का है, ये वाला 60 रुपए का है, ये 80 रुपए का है, नींबू वाला 20 रुपए का है, ये 50 और वो 350 का। अब्बा का रात चल रहा तेरे? ओके, तूने तो दिया 350 का है नींबू वाला, 350 का नहीं नींबू वाला, और तूने देने थोड़ी होते हैं, लाओ दो फेंक के। अरे पीना है, पीने तो दो, पीने तो दो कम से कम, अरे पीने तो दो यार कम से कम। तेरा झूठा, मैं नहीं पीऊंगी, ये क्या बात होती है? नहीं तू गंद खाता है। मैं क्या मरे हुए चूहे खाता हूँ? हैं इसको देखो, गोश्त खाता है तू? हाँ भाई, वो ऊपर तीन लाइनें, ओए अर्थक्वेक आ गई तेरे बालों में। ये तो गाइस आबू भी आ चुका है, सैंडी भाई भी आ चुके हैं एंड ये मेरा आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, सही में मैं सुबह से कर रहा हूँ, मैं व्लॉग कर लो देखो कर रहा हूँ मैं सुबह से, कसम से कह रहा हूँ। और ये स्कूल की गर्ल रेडी हो चुकी है, फिर भी स्पॉन्सर मिल गई, फेयर प्ले है, 3 महीने की कमर्शियल है 21,000। ओ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ व्लॉगिंग करो सब मिलके, यूट्यूब छोड़ दो, वाइन छोड़ दो, मैं तो खुद अपने राम नाम का सीरीज आएगी। फेयर प्ले वालो मेरे को भी दे दो यार कुछ, हैं बना बना बना, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं है यार, सिनेमैटिक ना बनाऊं तेरे में। हैं पागल है क्या? फिर नाखून क्यों मार रही है नाखून भाई? पूरा मैं कुछ प्लीज करूं, क्या क्या हुआ है तेरे को? प्लीज करूं तेरे को, क्या हुआ है तेरे को? किसकी आत्मा है? आराम से बता, आत्मा निकलो निकलो भाई, उसको दिक्कत हो रही है, आप दोनों जाओ भाई। पूर्वी देखो, अगर थोड़ा सा आप और बोले ठीक है, ये साउंड लगा दूंगा फेसबुक की वीडियो में, साउंड लगा दूंगा भाई, सुना दो ऑडियंस को। भाई कह रहा है फेसबुक की वीडियो में फनी साउंड लगा दूंगा, कोई काम करने। सॉरी यार, सॉरी 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 भाई, आप लोग भी जाओ फेसबुक पे फॉलो करो मेरे को, जस्ट पुरु पेज है, जाओ फटाफट। बाबुल की दुआएं लेती जा,
संसार मिली। चलो जाओ निकलो बेटा, वेरी गुड। तो भैया ये लोग तो चले गए हैं शूट करने, मेरी माउस पे लिखा भी हुआ है स्पैम, तो स्पैम ही होगा ना। नहीं नहीं स्पैम ही है। अब मैंने क्या करना है, अब आबू इसके अंदर फेसबुक की वीडियो जो है वो एडिट करके चला गया है, लिंक बस अपने आप को कॉपी करके भेजना है एंड उसके बाद फिर वीडियो अपलोड। तो भाई अभी हुआ क्या था, ये पर्दा जो है नीचे आ गया था यहाँ से, बट ये अभी कस गया है, बस ये इधर खुल गया है तो इसको ठीक करवाना पड़ेगा। ये होगा बस ठीक। और ये सांप, सांप कहाँ से आ गया घर में, सांप नहीं है ये, वो निकल गया इसका इधर से। पास में तो था भाई एक एम्बुलेंस भी, पता है रॉन्ग साइड आई थी उल्टी। तो भाई मम्मी ने तो बनाई थी आलू मंगोड़ी जो मैं बिल्कुल नहीं खाता, फिर भी मैंने एक पराठा खा लिया था मम्मी का दिल रखने के लिए। अब मैंने अपने लिए बनाई है मैगी एंड मम्मी जा चुकी हैं अपनी खिची फाची के अंदर, खा रहे है एकदम, खा रही खा रही। और भाई मैं बहुत स्वाद मैगी बनाता हूँ कसम से, मतलब मजा आ जाएगा मेरे हाथ की मैगी खा के। एक बार अगर खाओगे ना तो ऐसे बोलोगे कि भाई एक बार ही खा ली, बार बार खाएंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि साले कितना गंदा है, नहाया भी नहीं है, सुबह से इन्हीं कपड़ों में घूमे जा रही है वो। तो भाई आज पता नहीं क्यों आलस सा आ रहा है। एंड वैसे भी अभी शाम को मेरे को शूट पे जाना ही है, साहिबा के शूट पे, उन्होंने मेरे को बुलाया है कि तेरा एक सीन है, यू नो बड़े लोग एंड में आते हैं तो एंड में मेरा एक सीन है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा उसी टाइम पे, फिर मैं रेडी होऊंगा नहा के, या फिर अभी सोचता हूँ कि खाना खाने के बाद फिर नहाऊंगा, क्योंकि मैं अभी वॉशरूम भी नहीं गया हूँ सुबह से जब से उठा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं छोड़ो, बाकी आज मंदिर में कोई फंक्शन है तो। ओ भाई यार तो सुंदर लग रहे हैं यार मेरे को, मतलब मैंने मैंने नीचे से थोड़ा सा देखा था अपना घर एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। या पेड़ों से फर्क पड़ता है नो डाउट। तो ठीक है, इसमें छोटे छोटे नींबूज और आने लग गए हैं, इतने इतने से बिल्कुल बच्चे बच्चे नींबूज, तो वो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जो अभी वो जो येल्लो वाला जो नींबू है जो पक चुका है, ये देखो जो अभी ये नींबू पक चुका है ना, इसमें भैया ने बोला है कि बहुत ही रस होता है, मतलब इतना रस होता है कि पूरा घर आराम से कड़वा कर लेगा अपना मुंह। तो यू नो व्हाट गर्ल्स, या खट्टा खट्टा। तो इसको तोड़ के फिर इसका वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, शिकंजी बनाएंगे, फिर पी के देखेंगे घर की खेती की शिकंजी कैसी होती है। अभी खाते हैं फटाफट से। उसके बाद गाड़ी, जब तू बैठेगी गाड़ी में, गाड़ी के अंदर के सीन, और फिर तुम्हारा बाहर भागने का। भाई कुछ है खाने को, सैंडी कहता है मेरी बंदी गांड खाती है, मैंने कहा है गांड में बर्गर लगे हुए या शीरा लगा रहे हैं क्या लगा हुआ है सैंडी भाई, हैं काका तिल वजह से उधार लेके लगा यार ये तूने कहने का मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था? ओ ये तो ऐसे, अच्छा वो चार्ज किया है, ये नहीं करना रात को वो मिलेगा आलू कचोरी। सैंडी भाई कैसे रिच से लग रहे हैं, क्योंकि आबू ने बोला भैया लास्ट सीन है, और मम्मी भी आ गई थी जहाँ पे गई थी मम्मी, वहाँ से मम्मी को एक इन्विटेशन कार्ड भी मिला शादी का, तो हमें अब शादी में भी जाना है एंड गुरु जी के सत्संग में भी। तो अभी चलते हैं फटाफट से शूट पे। मैंने व्हाइट ब्लैक इसलिए पहना है, वैसे तो मैं रोज ही व्हाइट ब्लैक पहनता हूँ कोर्ट जाने के लिए, बट मैंने आज भी इसलिए पहना है क्योंकि साहिबा के जो शूट का टॉपिक है वो स्कूल से रिलेटेड है समथिंग, तो इसीलिए अब इसके ऊपर टाई और पहन लेंगे। बहुत जाम है यार, सत्संग है ना आज, इसलिए जाम है मंदिर में। कोई नहीं चलते हैं फटाफट भाई, एक बार एक व्हाइट लेना, एक तुम एग्जिट करना वही चीज, ये तो पापा की स्कूल, मेरे को इन्होंने बोला कि स्कूल के कपड़े पहन के आने, मैं व्हाइट शर्ट पहना आया और अब कह रहे हैं स्कूल के कपड़े नहीं पहनने थे, मुंह देखो कैसा बना रखा है। हेलो राशि, हंस दे यार तू, हंस दे यार राशि, तू हंस, तू मत हंस, जस्ट किडिंग मैन। ओए ऋतिक रोशन के 6 उंगलियां हैं, इसके 35 दांत हैं
भाई एक बार एक वाइट लेना, ये वाला लाओ जी लाओ, ये लो भाई। यहाँ भी लाइट अच्छी है साले, कह रहा है 14 की लाइट सिर्फ अच्छी है। भाई बता दो भाई, 11 की भी लाइट बहुत अच्छी है। ये देख साहिबा देख कितनी गोरी आ रही है। बताएगा कौन जब तक व्लॉग नहीं डालोगे तो। अल्लाह वीरे। तो गाइस फाइनली मेरा शॉट आ चुका है, वीडियो के अंदर बहुत लेट आया है, बट तुम अपने भाई को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? ओके भाई, 2 मिनट रह गया, बेंच लेके खत्म करो। गोलू ही है, मकचोदियां है जो आइए। क्वालिटी उसकी भी अच्छी है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। वीडियो एंड तक देखना है तुम्हारे भाई को। यार भाई सबसे अच्छा तरीका पता क्या है, पूरी साल की पेमेंट कट कर दो भैया। थर्ड फ्लोर पे आ जाओ, आओ जाओ, मम्मी लूडो खेल के अंदर। कहाँ जा रहे हो? मम्मी लूडो खेल रही है, लूडो चल रही है, देखो दिखाओ लूडो, देखो लूडो चल रही है। डिलीट करके दोबारा चालू किया ना। तो भाई क्या सीन है? सीन अब ऐसा है कि कुछ खाएंगे उसके बाद बस घर जाएंगे। घर तो आपका यही है? मतलब घर तो यहाँ यही है, मतलब वापस घर पे आएंगे। लाइट जला लो यार, ऐसे अंधेरा आ रहा होगा। नहीं नहीं भाई, 14 है ना यहाँ पे, सब लाइट है। ओ यार। तो गाइस अब फाइनली बस फोटो लेनी है, बाकी सब हो चुका है। एंड जूस पी रही है। मैं छुप गया भाई, छुप गया मैं। इधर है, मैं छुप गया। हाँ। और गप्पो, हम किसी के भी मजे ले, मजाक उड़ाए, राशि हस्ती है। डॉक्टर साहब वो जो आपने गैस की गोली दी थी ना, वो काम नहीं कर रही है। और पाद आ रहे हैं, पाद की संख्या बढ़ती जा रही है, आप कुछ बताओ उसका। गंदे गंदे 3 बंदे घर में डेड हो चुके हैं। इतने पाद आ रहे हैं, खाली सिलेंडर है, उसको पाद आना है भर दो और आपको दे जाए। तो पाद वाली रोटी है, दे दे तो इसका बस बस। और गप्पो ये देखो क्या है गुरु। अरे हेलो, हरे राम हरे कृष्ण। तो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, मोमोज खा लिए हैं। मोमोज खाने के बाद अब क्वालिटी हुई है ना, शिफ्ट 14 से गाने चलती है फोन पे। गाने चलाने थे गाड़ी में, तो गाड़ी में गाने नहीं चलते बिना रुके, इसलिए कनेक्टिविटी 14 हो चाहे 11 हो, गाड़ी बेकार हो तो कनेक्ट नहीं होते। सारी जिंदगी भी अठारह वाली है। और राशि, राशि पनीर वाले मोमोस पैक नहीं हुए? नहीं भाई, अब तो बहन चोद नाम भी नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं ब्रो। भैया आपने अपने गाइज अभी रात के 3:55 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। एंड मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी। आबू ने मेरे को बोला था भैया कुछ खा लेते हैं, साहिबा भी बोल रही थी कुछ खा लेते हैं, बट उस टाइम मेरे को भूख नहीं लग रही थी 11:30 क्योंकि पेट फुल था उस टाइम पे। अब मेरे को भूख लगी है, एंड मेरे पास मतलब मेरे साथ रोज़ यही चीज़ हो रही है कि रात को 3-4 बजे मेरे को भूख लगती है। तो घर पर आज कुछ मेरे को मिला नहीं ऐसा खाने का, तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने अभी स्विगी से ऑर्डर किया। एंड मैंने जस्ट अभी भैया को फ़ोन करके बोला है कि प्लीज़ मेरे को इस वाले नंबर पे कॉल करना, क्योंकि ऐप के अंदर भाई का नंबर है, अगर भाई के नंबर पे फ़ोन हुआ तो उठ जाएगा और फिर वो चिल्लाएगा मेरे ऊपर। तो मैंने कहा इस वाले नंबर पे कॉल करना आप, तो अभी देखो शायद 20 मिनट तक आ जाएगा ऑर्डर, बाकी तो यार अपना तो नहीं है। मैंने ब्लॉग भी एंड नहीं किया था, मैं सोचा कि चलो यार कोई नहीं ऐसे ही डाल दूंगा, बट अब मैंने स्टार्ट कर लिया तो मैं इसको एंड भी कर दूंगा। खाना तो आ ही जाएगा, खाना हम खा भी लेंगे। बाकी आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ एक लाइक कर देना, सबके साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी, ये व्लॉग कैसा लगा। और बाकी तो ऐसे ही किसी मज़ेदार व्लॉग के साथ मिलते हैं अगली बार। प्यार आपका, मैटिन जसप्रू की, लव यू।